गाइज वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं साचू बॉर्डर, जहाँ पर भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। दो बार हुआ था, एक तो 1965 और दूसरा 1971 का। तो अभी हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे रास्ता है वो टूटा फूटा हुआ है, लगभग 10-12 किलोमीटर तक रास्ता टूटा फूटा यहाँ है। से जो सांसू बॉर्डर है वो 12 किलोमीटर है, और यहाँ पे रोड नहीं है, मतलब बिल्कुल खत्म रोड है। तो थोड़ी दिक्कत जरूर होगी, करीबन 1 घंटा लग जाएगा 12 किलोमीटर के अंदर। मतलब एक एक डेढ़ डेढ़ फीट के गड्ढे है इसके अंदर, रोड के अंदर। और जो इलाका है ना, ये जो देख रहे हो बड़े बड़े रेत के टीले इस साइड में, ये देखो, तो जो युद्ध हुआ था वो यहीं पे हुआ था, हाँ, जो रतनपुरा गांव बता रहे हैं वहां पे तो हमारे, हमारी सेना थी, हाँ और जो साचू है उस पे पाक ने कब्जा कर लिया था। हाँ हाँ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फायरिंग रेंज। तो भाई यहाँ से रही है सांचू बॉर्डर 1 किलोमीटर, और उस साइड वो देख रहे हो आप सामने, वो देखो यहाँ पे हेलीपैड भी बना हुआ है, और यहाँ पर लगभग 2-3 इंडानिया हैं, एक दो तो वो सामने हैं, 2-3 इस साइड है, और यहाँ पे खेती होती है। ये देखो भाई पानी लग रहा है, सरसों है, और बॉर्डर है वो इस साइड रहेगी सामने। तो भाई दोस्तों हम बॉर्डर देख आए, वीडियो बनाना तो वहाँ पे अलाउड नहीं था, क्योंकि अभी दिखाते हैं आपको सांचू गांव। और अभी इस गांव में कितने घर हैं? अभी तो 20 एकड़ हैं, 20 एकड़ है ना। उसके बाद एक ये रहा सामने, आगे वो दो तीन है, आगे एक और इनने है, इतने भी है, और इनके मकानों के अवशेष भी हैं। ये भी मस्जिद दिखाते हैं आपको अंदर से, चलो चलते हैं। ये मस्जिद है भाई, अभी तो ये ऊपर से टूटा हुआ है, खंडित हो गया भाई। तो बाकी और दिखाते हैं आपको आगे। ये यहाँ पे काफी बड़ा गांव हुआ करता था, तो अभी तो लगभग थोड़े बहुत ही घर हैं। तो आपको दिखाते हैं पुराने कुछ मकान हैं, उनके अवशेष भी हैं, वो भी आपको दिखाएंगे, तो चलो चलते हैं। तो भाई दोस्तों यहाँ से जो बॉर्डर है वो आपको सामने दिखाई दे रही होगी, ये वो देखो भाई वहाँ पे बॉर्डर है, ऐसे चलेगी बॉर्डर आगे, यहाँ पे खेती होती है भाई, बहुत ही मस्त खेती है, मीठा पानी लगता है यहाँ पे नहर का, और बहुत अच्छी फसल होती है यहाँ पे। जो भाई है ज़मींदार भाई, उनसे बात की थी हमने, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी फसल है, और उनसे पूछा कि यहाँ पे रहने की कोई दिक्कत वगैरह, तो वो बोले भाई रहने में 1% कोई दिक्कत नहीं है, इस जैसा एरिया आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, काफ़ी पुराना है भाई, उसी टाइम का है जब जो युद्ध हुआ था ना, उसी टाइम का है भाई। और आगे और दिखाते हैं आपको, सामने आ गया कब्रिस्तान, चलो आपको दिखाते हैं कब्रिस्तान, काफ़ी पुरानी कब्रें हैं यहाँ पे, युद्ध से पहले की है ये। ये देखो भाई से हो रखी है, काफी दूर दूर तक है ये। जिप्सम पिघल गया, यहाँ पे वे बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में कुएं थे इस साइड, तो सभी को इन्होंने बुरवा दिए, क्योंकि उनके अंदर जानवर रहते थे जैसे चमचेड़ वगैरह, तो वो इनके घरों में जाती थी, तो ये परेशान थे इस वजह से इन्होंने वो सभी के सभी बुरवा दिए। ये देखो भाई यहाँ की खेती दिखाते हैं आपको,
ये आप देख रहे हो सामने, ये सारी सारी मूंगफली है और उस साइड सरसों बीज रखी है। और मूंगफली दिखाते हैं आपको कितनी होती है, ये देखो भाई। ये देखो भाई कितनी मूंगफली है, ये देखो काफ़ी बड़ी बड़ी मूंगफली है। और यहाँ पे पानी लगता है वो नहर का लगता है, वो भी इंदिरा गांधी नहर का। और ये देखो भाई, ये जो हमें बता रहे हैं उनका घर है। और ये आपको जहाँ तक दिखाई दे रहा है यहाँ तक इनके खेत है भाई, बढ़िया फसल होती है यहाँ पे। ये रास्ता है, इस साइड बॉर्डर है और इस साइड वो गांव है साचू। वो सामने आपको जो मकान दिखाई दे रहे हैं ना वो है। और यहाँ पे हर प्रकार की खेती होती है, ये देखिए खेती यहाँ की।